सो गाइस ऊपर गाना बज रहा है बढ़िया से कैफे के अंदर, और इधर हमारे एंजॉय कर रहे हैं बाहर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित एंड आई एम फ्रॉम सीधा पहाड़ से। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हमारे साथ हैं दो बंदे, जैसे कि आशु देख सकते हैं, और आशु का आज बर्थडे भी है। और राज भाई पार्टी तो भाई न्यू ईयर की पार्टी भी देगा, और बर्थडे तो आएगी इसका। और राज भाई आज हमारे साथ हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि आज हम मनाली जा रहे हैं। तो मनाली का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, और मनाली में हम 6-7 दिन रहेंगे ना भाई, तो 6-7 दिन बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, और 6 के 6 ब्लॉग मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम बस स्टैंड में हैं, इधर मंडी के बस स्टैंड में देख सकते हैं आप, और यहाँ से पकड़ेंगे अभी पिंडो के लिए बस, है ना भाई, और वहाँ मिलेंगे बाकी के दोस्त भी हमें, तो मिलते हैं सीधा उनके साथ। फाइनली हम पिंडो वाली यानी कि मनाली वाली बस में बैठ चुके हैं, और अभी मिलेंगे हमें अपने दोस्त भी, तो उनका वेट करते हैं और मंडी को कर देते हैं बाय बाय। हम पहुँच चुके हैं पिंडो में, और अभी करेंगे दोस्तों का वेट यहाँ पर, और जैसे वो हमें मिलते हैं तो वो यहाँ से निकलेंगे उनके साथ सीधा मनाली की तरफ, और अभी उनका वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आ जाएंगे वो। और अभी हम खड़े हुए हैं इधर पंडो चौक में, जैसा कि देख सकते हैं आप। सो फाइनली बीजू भाई हमें मिल चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई, कैसे हैं? क्या हाल है भाई आपके, कैसे हो? गले नहीं मिले आपको? नई साल आपको मुबारक हो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। तो ये कर से भी, और बाकी के बंदे क्या है भाई? बाकी बंदे आ रहे हैं। चलो भाई मिल चुके हैं, तो शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे सबकी। फाइनली पहुंच चुके हैं हम मनाली में, और पीछे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त भी हैं साथ में। सो गाइस, कैसा लग रहा है आपको मनाली में फर्स्ट टाइम? तो गाइज ये है मनाली के कुछ नज़ारे, बस स्टैंड देख सकते हैं आप इधर सारा का सारा। तो अभी निकले हैं बस से बाहर, और अभी दिखाते हैं आपको मनाली की मॉल रोड। चलिए गाइज आ जाइए मेरे साथ। फर्स्ट लुक देख सकते हैं आप, खचा खच भरी हुई है मॉल रोड पूरी की पूरी, और यहाँ पर कुछ चला भी है गाइज, तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के नज़ारे मिलेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए। अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है यार, आप देख सकते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं रूम में, और हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है, और ये हमारे रूम है इधर देख सकते हैं आप। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, और यहाँ से बाहर का व्यू भी आप चेक कर सकते हैं। चलो देखते हैं, फिलहाल अभी तो है हमारे पास थोड़ा टाइम, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है। गाइस इसका बदला लिया जाएगा, देखिए मेरे हाथ साथ क्या बदसलूकी की जा रही है। भैया एक बात और खुद किया है, जो भी किया है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ आशु। वैसे आज आशु का बर्थडे भी है, तो सारे के सारे आशु हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी 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 माते, क्या वो मोहतरमा जी, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे? हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जले, दिखाइए। ये तो दिखाने वाली अब नहीं चलेगा, ये जलाने की। हाँ जलाइए जलाइए, हाँ जला था जला था, नहीं दिखा रहे आपको, हमने इसको दिखाया। तो गाइस रूम की सेटिंग होने के बाद हम निकल पड़े हैं अभी खाना खाने, हम जा रहे हैं अपनी सेटिंग के लिए। क्या कहना क्या चाहते हो आप? लव यू ब्रो, लव यू सीन हो गया इधर फुल वाला। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, तो मिलते हैं सीधा ऊपर मेस के अंदर ही। सो गाइस ऊपर गाना बज रहा है बढ़िया से कैफे के अंदर,
और इधर हमारे एंजॉय कर रहे हैं बाहर। मस्तानी मत होश किए जा, कोई खींचे को लिए जाए, मत होश किए जा, कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सो गाइज, आज आशु का बर्थडे है, तो आशु के बर्थडे को मनाने के लिए हमने केक लेने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कोई नहीं, ये भी बना रहा है व्लॉग, तो दोनों साथ में व्लॉग बनाएंगे। और चलिए, हम पहुंचने वाले हैं बेकरी के पास और लेंगे आशु के लिए केक। तो अभी हम बेकरी के पास पहुंच चुके हैं और भाई ने शायद तैयार कर दिया होगा, तो पूछते हैं अंदर और जाते हैं। तो अभी लिख रहे हैं नाम हम केक के ऊपर और थोड़ी देर में मचने वाली है धूम गाइस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई नहीं भाई, आपके लिए तो जगह ही जगह है। नाम लिया है गाइस, फाइनली हमने केक लिया है भाई से। आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल पूरा का पूरा भाई के लिए चीज लाई हुई है बिल्कुल। और अगर आपको भी केक चाहिए तो भाई के इधर आ सकते हैं आप, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। थैंक यू भाई, मिलते हैं। थैंक यू भाई। सो गाइज, ये है बेकरी, आप यहाँ से ले सकते हैं, और बंदा भी आ चुका है। तो अभी मनाएंगे आशु का बर्थडे बड़ा धूमधाम से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और माल रोड के नज़ारे आप साथ में ले सकते हैं यार। गाइस, फाइनली हमें मिल चुके हैं रसगुल्ला, जो कि हम बाहर लाने गए थे। और अभी इसके बाद पार्टी तो अभी बाकी है गाइस, तो पार्टी के अंदर मिलते हैं सीधा के सीधा। क्यों विशाल जी? सर जी बिल्कुल। तो माल रोड के बिल्कुल साथ में हमारा यहाँ पर रूम भी है, जैसा कि आप आगे देख ही सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना होता है इधर रात के टाइम। और ये रहा हमारा होटल, यहाँ पर देख सकते हैं इधर आप। सो ये है अपना ब्लॉग होटल इधर। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम में, और अभी आप देख सकते हैं आशु का बर्थडे। आज बर्थडे बॉय के लिए हमने केक अरेंजमेंट की है, मैंने और सर, आपने स्ट्रगल हमने दिखा दिया इस केक के लिए। आग भाई खुद जलाएगा, आग भाई खुद जलाएगा। बाशु ललित को बोले ड्रकी नाना भाई। तो गाइस, सारे के सारे पहुंच चुके हैं आशु के बर्थडे मनाने के लिए आज। गाइस इधर देखिए, ये गाइस इधर देखिए, ये नहीं चलता ये। और भाई की कॉल आ चुकी है मेरे को उतने में। गाइस लाइटर नहीं चल रहा है, फट जाता है, इसको इससे ना करें, ये मेरे हाथ में जलेगा। तो यहाँ पर लाइटर से आग जल चुकी है भाई, हो कह रहा है लगता है काला साया। सो अभी बर्थडे बॉय केक काटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आशु, हैप्पी बर्थडे डियर आशु भैया, बर्थडे टू यू आशु भाई, बोलो बोलो आशु भैया, आशु भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू आशु भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू आशु भैया। शुक्रवार ये गाइस, केक ढंग से आज आज के दिन केक की इज्जत की जाएगी, क्योंकि पाई पाई के ढंग काटे। इधर एक बंदे को अपना वो दिख रहा है, घाटा दिख रहा है। सो बारी बारी से आइए और मुंह में लीजिए केक।
What do you mean? What do you mean? जो मैंने कहा वही केक केक नहीं मामा खड़े हैं इधर पे पहले बर्थडे बॉय को जाना जरूरी है सॉरी फॉर सॉरी फॉर इधर देखो So guys, कैमरा कैमरा मैन बंदू यार को यार तो गाइस फाइनली हो रहा है हमारा इधर से सिद्धे आर जस्ट ओके एंड ये बहुत ही ज्यादा सो ये है आशु का बर्थडे आज का और आशु भैया अब लग रहे हैं डाकू मेरे बिना मैं कैसे ना करे और ये फोटोग्राफी एक कार्ड फिर और एक लगे ताज तुम्हारा सुनो ना संगे मरमर ए डागी गाइस कुछ बीच में खुद बुखुद टीटू का कुछ अलग लग रहा है मेरे को देखो भाई मैं क्या ले रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ विमल जुबा केसर दाने दाने में केसर का स्वाद विमल बोलो जुबा केसर जादूगरी मैंने ना कुछ छीन ली है पिछले महीने की 26 को दिल में मेरे है दर्द इसको ये मजबूर है पर आप नहीं फाइनली आज का दिन हो चुका है क्लोज 2024 मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही तो अभी आपको फिर से बोलना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर गाइज तो गाइज इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए रहिए खाते पीते मस्त स्वस्थ खुश